मुझे वैसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन कहनी पड़ती है उनके सामने। वाह। और देखो ये छत पे आके यहाँ पढ़ रही है। गुड मॉर्निंग। यहाँ ठंडी लग रही तुम्हें? हल्की हल्की नीचे नींद आ जाती है। नीचे जाओ, मैं यहाँ पे पढ़ के एक घंटा और क्या लूँगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू व्लॉग। दोस्तों सुबह के 6 बज रहे हैं, हम छत पर जाके एक्सरसाइज भी कराए। अब मैडम जो है हमारे लिए लंच तैयार कर रहे हैं, जो आपको पता ही है कि वो भी सुबह सुबह उठ के अपनी ड्यूटी पर लग जाती हैं। उनका काम है हमारे लिए लंच तैयार करना। बेटी छत पर जाके पढ़ रही है जी। देखिए मैडम ने हमारे लिए तैयारी शुरू कर दी है खाने की। आज क्या बना है सब्जी में भाई? लौकी। लौकी की सब्जी। वाह, मुझे वैसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन कहनी पड़ती है उनके सामने। वाह। प्रेरित उठ जा बेटा। और सोएगा? ठीक है भाई। और सोएगा बेटा? नाश्ता मैं पानी भर गया हूँ। हाँ, बेटा हो गई तैयार? हैं? परांठा भी बन गया? किधर रख दूँ बेटा? आ जा। सभ्यता तो निकल गई स्कूल और आज हम लोग साथ में बैठ के टीवी देखने में और बात करने में ही लगे रहे तीनों लोग। और घर का कोई भी काम नहीं हुआ है, पूरा घर गंदा पड़ा है। तो अब सबसे पहले घर की सफाई करते हैं। प्रेरित को बैठे बैठे मैंने एक काम दे दिया है। प्रेरित बैठे बैठे ये गर्म पट्टियाँ तय करके रखेगा और ये जो सारी दवाइयाँ हैं वो आगे पीछे करके सारा खराब कर देते हैं, इनको लगाएगा बैठे बैठे। प्रेरित सफाई से तो फ्री हो गई, अब तेरे लिए नाश्ता बना दूँ। तो नहा लिया है, फिर तुझे भूख लगेगी। क्लास कितने बजे से है? अभी तो 45 मिनट्स। अरे अभी तो टाइम है ना। ठीक है, तो पहले मैं नाश्ता बना दूँ, मैं भी चाय पीऊँगी, भूख लग रही है। वैसे आया? ओए क्या क्या कह रहे हैं? ठीक है, अगली बार से तू ही डालियो। भाई इन्हें इनकी गलती बता दो, तो ये ऐसे करते हैं। है? ये बता, नमकीन चाहिए? हाँ, है? लिया। एक और बात बताऊं मैं सबको आपको कि ये वैसे मैंने कराया। सही है बेटा, आज पापा से लड़ाई हो जाती, बच गई। तो मैं आ गई स्कूल से और मुझे बहुत तेज वाली भूख लग रही है। स्कूल में लंच नहीं लेके आया था, इसलिए आते आते बहुत तेज भूख लग जाती है। और मम्मी से पूछते हैं कि क्या बना रही है। मम्मी क्या बना रहे हैं? मम्मी परांठा चाहिए। पर किसके साथ है? बरेमा। वाह चलो सही है। ठीक है वो बरेमा बैगन। और मम्मी परांठे से गया, मैं इसको प्लेट में करूँ? चम्मच से करना पड़ेगा ये तो। ये ऐसे उठा लूँ मम्मी? नहीं, फाइनली मैं नहा ली हूँ और टाइम हो रहा है दोपहर के 2। सभ्यता सो रही है, प्रेरित पता नहीं क्या कर रहा है। अभी जब मैं नहाने गई थी तब तो मैं इसका होमवर्क करते हुए छोड़ के गई थी, शायद इसका कंप्लीट हो गया है। इसको अभी आधा घंटा और सोने देते हैं, 2:30 बजे के आसपास जगाएंगे। 1 घंटे के अंदर सर भी आ जाएंगे, तो फिर चाय बनाएंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं गेम खेल लूँ? बता। गेम? क्यों? खेलने के लिए। बता। खेल ले, आज सुबह से कंटिन्यू बढ़ रहा है। तो दोस्तों हम स्कूल से आ गए, तो मैडम कर रही है किचन में काम। और ये पेटीज कौन लाया? अच्छा भेज के कह रहे हैं कौन लाया? आज बच्चों ने फोन पे कहा कि पापा पेटीज लेके आना, समोसे नहीं। तो आज बच्चों की डिमांड पे पेटीज। और ये रियल जूस। थैंक यू। क्या हाल चाल है? अब इन दोनों के क्या हाल चाल के चक्कर में रह गए। ओए ओए क्या होता है? तुम्हारे लिए लाया था जूस, रहने दो तुम। क्या हुआ? ओ देखो की क्या हो गया। ओ माय गॉड क्या हो गया? दांत में कुछ वो आ गया, कंकड़ मंगड़? क्या हो गया? नीचे बैठ के खाना। क्या हो गया? हैं? मजा आ गया। अब तुम जो खा रहे हो फिर मम्मी के लिए समोसे ले आना, मेरे लिए भी 1 घंटे बाद। तुम्हारा पैर कैसा है बाबूजी? सही नहीं है? गुड। शाम को चलना है डॉक्टर पे? अरे तो मजा आ रहा है, चलना है। चलो भाई हमारी आगे चाय। चाय और फैन। मैडम ने बताया बारिश आ गई है। क्या कहाँ आ रही है बारिश? हाँ
हल्की हल्की बूंदे हैं लेकिन ले चलो, हाँ आ तो रही है बारिश। चलो ये और की जूते ले जाने थे। और दोस्तों आप देख रहे हैं छत पर बारिश आ गई, बेटी भागी कपड़े उतारने के लिए और मुझे भेजा है जूते लेने के लिए। दूसरी दीदी है नहीं, उनके कपड़े तुम ही उतार दो। अच्छा कविता दीदी नहीं, हाँ नीचे रख दो, उनके उनके कपड़े अलग रख देना, जब आएंगे ले जाएंगे। हाँ सब इसी में डाल दो। कुछ याद है कुछ काम की कही थी? प्रेस करनी है। अच्छा और क्या कही थी? इसको ट्यूशन तो डालनी है। जब तुम पेटीज खा रहे थे तो पापा ने ये कहा था एक घंटे बाद समोसे लिया ना। ओ, मुझे इसे लेके फिर डॉक्टर पे जाना है। कब आएंगे, कब खाऊंगी, कब जाऊंगी? जल्दी जाने का मतलब समझी? यही समोसा कहाँ मिला? बने हुए रखे थे समोसे, तो आप लोग घंटे ठंडे लगे तो चाय से खा रहे हैं। ठंडे करके चाय से खा लेना, ठंडे लगे तो चाय से खा लेना। अच्छा वो तो बने हुए रहते थे तो। और ब्रेड पकौड़ा नहीं थे? ब्रेड पकौड़ा नहीं खिला रहे थे मेरे को। समोसे मंगाए? आरा मूड खराब हो गया। समोसे मंगाए गरम गरम, समोसे आए हैं बिल्कुल ठंडे। तो दोस्तों शाम के बज रहे 6 और ये टाइम है प्रीत को डॉक्टर के पास ले जाने का। ऐसे मैडम ले जानी थी लेकिन मार्केट में भी कुछ काम है तो बोले सब संग चलते हैं। बेटी घर पर रहेगी, पढ़ेगी भाई ऑब्वियसली, इसके कान में नहीं लग रही है, अपना लेक्चर सुन रही है। सर लगा रहे हैं गाड़ी, यहाँ देखो कितनी भीड़ रहती है। ये देखिए कितनी गाड़ी है, बहुत भीड़ रहती है क्योंकि यहाँ इस क्लिनिक के साथ साथ 2-3 ऑफिस भी हैं, जिम भी है। हम पहुँच तो गए, लगना शायद अभी आधा पौन घंटा तो इसके इलाज में लग जाएगा, उसके बाद फिर बाजार की बात करेंगे। आ जाइए भाई, अगर हम घर पे करें तो इसको फिर लगा दें हीटिंग पैड अब घर पे, या फिर मूव से ही मालिश कर दें हल्की हल्की हीटिंग पैड से ना। देखो फिर ये रहा कॉफी कप, दूध पीना है था। ये कितने का है? ये पकड़ने में अच्छा लग रहा है। ये 50 रुपये का एक पीस है ना, ये भी 50 रुपये का पीस, सब 50 रुपये पीस है। तो सारे काम हो गए, इसका ट्रीटमेंट हो गया, कप ले लिए चाय के लिए और मैडम ये सब जगह लेने वो खड़ी है वहाँ पर। यहाँ पर हाथ के बने हुए जो जबे होते हैं ना वो छोटे छोटे वो भी मिल जाते हैं। वैसे तो मशीन के जो आते हैं रेडीमेड बड़े पतले वाले वो नहीं अच्छे लगते। लगता है मैडम ने जबे के साथ कुछ और भी सामान ले लिया है, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आने दो, देखते हैं क्या लिया है। ये कह रहा है पप्पू मुझे दूध की बोतल पिला दो, लेकिन शाम का टाइम है, ठंडी चीज़ की मना है। किसने मना करी, वही उसमें मिला के दिया। देखो सर मम्मी ने सुन लिया, खाने पीने की बात है तो आंखें दिखा रही हैं, दूर दही नहीं जाओगे। मैडम तो गई थी केवल जवे लेने के लिए लेकिन यहाँ पर वो बहुत बड़ी थैली लेके आ रही हैं और इस पर देखते हैं वो क्या क्या लेके आई हैं। क्या क्या लाई हो? लेने तो मैं बस एक चीज़ गई थी। देख लो अपने आप ही कह रही हैं लेने तो एक चीज़ गई थी। ये ऐसा प्रसाद बनाना है कुछ का, इसलिए इतना सारा है। मम्मी ऐसी लाई हो? ऐसे खाने के लिए। ये दो लेकर आते अच्छी। तो अंदर आ जाओ ना, दो खाने ना। अरे भगवान, मैडम ने बनाई है शाम को मसूर की दाल, गर्मा गर्म रोटी। हमारी रोटी चिपड़ना मत, गला दूं? बिना घी लगाए गला देना। अभी रात के 10 बज गए और मुझे प्रेरित को दवा देनी है, प्रेरित को दवा दे देती हूँ और दोनों को दूध दे देती हूँ। सर तो लेट गए, दूध तो पियेंगे नहीं सर, ऐसी भैया 3 महीने काटने हैं सर को। 3 महीने का वनवास है बिना दूध के भाई, मानना पड़ेगा ना पड़ेगा। तो दोस्तों देख रहे हैं आप मैडम है परेशान, उनको नहीं मिल रही है बेटे की दवा, वो के पूछ रही है कहाँ रख देता है क्योंकि बेटे का दवाई खाने का समय हो गया है। मिल गई दवाई, ग्रेट सक्सेस। तो मैडम को बस बच्चों को दूध देना है, उसके बाद फ्री हो जाएंगी, उसके बाद वो लग जाएंगी मोबाइल पर,
एडिटिंग के लिए, क्योंकि ये ब्लॉग भी हमें सुबह 6 बजे तक अपलोड करना होता है, तो रात में ही इसकी एडिटिंग करके मैडम शेड्यूल पर लगा देती हैं। इसलिए भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, बिना मत जाइएगा। हम आपसे अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे। बाय बाय, गुड नाइट।